छोटी सी है और खुद पर बीती हुई है, इस वजह से सुना रहे हैं। तो हर किसी की लाइफ में गर्लफ्रेंड रही होगी और होंगी, ब्रेकअप भी हुए हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ, क्योंकि प्यार में जब नए नए थे तो कई सारे कमिटमेंट कर दिए। अब कमिटमेंट कर दिए तो उन्हें निभाना ही पड़ता है। तो बस धीरे धीरे फिर इसी बात पे आगे बढ़े, प्यार आगे बढ़ा, फिर लेकर पहुँचे, उसने अपने घर पर बुलाया। उसके घर पर कोई नहीं था, उसने अपने घर पे बुलाया, बोले आओ। हमने मना किया कि हम नहीं आ सकते, लेकिन उसने कहा नहीं, आना पड़ेगा। अब जो वादे किए थे पहले वो निभाने पड़ेंगे, तो उस चक्कर में चले गए। लेकिन जब वहाँ गए तब पता चला वहाँ तो बहुत सारे लोग थे, सारी फैमिली थी। हम पहुँचे वहाँ, जैसे ही उसके घर पहुँचे उसने अंदर बुलाया, गए, मिले ही थे कितनी में छोटी बहन आ गई। अब जैसे ही वो आई, उसने देखा, वो चिल्लाई। मैं डरा, मैंने कि बहन जी रुक जाओ, अभी तो रुक जाओ, अभी मत चिल्लाओ, मेरा कैरियर है, रुको थोड़े समय वेट करो। वो नहीं मानी, वो करी मैं तो मम्मी को बुलाऊंगी। हमने कि मम्मी तो घर पे नहीं है, करी पापा भी घर पे हैं, आप कैसे कह रहे मम्मी नहीं, हमें तुम्हारी दीदी ने बताया। बोली दीदी ने कहा है, करी दीदी ने आपसे झूठ कहा है। हमने गलत बात है ये तो, दीदी से हमने फिर उसको देखा, हमने कि यार फंसवा दिया तुमने। बोली नहीं यार, वो फिर चिल्लाई, इतने में उसकी मम्मी आ गई। अब जब मम्मी आ गई तो अक देखा ना बक, बिल्कुल सब कुछ फ्री, माइंड में जो आया चला। बोले कौन हो तुम, ये तो कह सकते लड़की से मिलने आए, कहा चोर हैं। वहाँ से वो अंकल जी आए दौड़ते हुए, उनके दादाजी आ गए, पूरा परिवार और मोहल्ले वाले सब लोग इकट्ठे हो गए 10 मिनट में, और जो उन्होंने हमें मारा, मज़ा आ गया। एक बार नहीं, 2 बार मारा। और जो पड़ोसी होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें अगर मौका मिल जाए ना तो अच्छे अच्छों की बजा देते हैं। होश में ला ला के मारा, और मारने के बाद फिर मुझे छोड़ा, बोले इसकी रिपोर्ट करो। हमने कहा अंकल गरीब आदमी है, छोड़ दो। बोले गरीब तो तुम कैसे, हमने पेट के लिए चोरी की थी, कुछ थोड़ी ना गलत थोड़ी ना किया था। कह रहा चोरी की थी, लड़की के कमरे में क्या करने गए थे, हमें पता अलवारी वही है, हमने सोचा इस वजह से वहाँ गए थे, हमें क्या पता वहाँ लड़की है। तो अंकल बोले, कह रहा अच्छा, कह रहा तुम लग तो नहीं रहे कपड़ों से। हमने कि अंकल थोड़े स्टैंडर्ड चोर हैं, छोड़ दीजिए। बोले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमने कि अंकल पैर पकड़ रहे हैं, हम उनके पैरों पर झूल गए। एक पड़ोसी आया, उसने बोला, कह रहा बेटा तुम लग तो नहीं रहे, तुम कुछ और के लिए आए थे। हमने कि आप कर लो बदनामी दूसरे की, आपको मिल गया मौका, वैसे भी आप जलते हो गए इनसे। तो उसने बोला अच्छा मुंह चला रहे। हमने कि मुंह तो नहीं चला रहे हम बिल्कुल भी, हम तो बता रहे। बोले बस इतने में अंकल जी पड़ोसी थे, उन्होंने एक दिया लफाड़ा यहाँ मिला के, थोड़ा गाल पर थोड़ा सा दर्द हुआ, 2-4 उंगली छप गई। हमने कहा अंकल बाद में मिलना, बताएंगे। बोले बाद में क्या मिलेंगे, पहले अभी हम तुमको बताएंगे। बोले उनने कॉल कर दिया पुलिस को, 100 डायल पर कॉल किया, वो लोग आए, अंकल को बताया कि चोर हैं, उन्होंने छोड़ा हमें, गए वहाँ से लेकर गए थाने। थाने में पहुँचे, वहाँ पर बिठा कर रखा रात भर, 2-4 लोग अगल बगल थे, वो भी अच्छी पीए वगैरह थे। तो उनसे पूछा, उन्होंने पूछा हमसे, बोले भैया तुम कैसे, अब कैसे बताते शर्मिंदगी के कारण कि छोटा सा कांड किया उसमें फंस गए। वहाँ पर बैठे रहे तो वो अगल बगल बोले, बोले बताओ तो यार क्या बात है, तुम इतने रो क्यों रहे हो, इतने सहमे से क्यों। हमने कहा भाई जैसा सबका कटता वैसा हमारा कट गया। और बस फिर उन लोगों ने थोड़ी सी दास्तान सुनी, और बस इसी के साथ ख़त्म करते भैया, ज़्यादा नहीं लेंगे समय।